दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 5 कुख्यात शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है, जिनका देश के 5 राज्यों में खौफ था। ये सभी बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सुब्बे गुज्जर और काला जठेड़ी के लिए काम करते थे। इनमें हत्या के प्रयास, रंगदारी ठेके पर हत्या जैसे मामले हैं। इनसे पुलिस की टीम ने 75 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा इनसे 2 पिस्टल, 1 रिवाल्वर भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP मनीषी चंद्रा ने बताया कि इंस्पेक्टर संदीप डबास और इंस्पेक्टर विक्रम दहिया की टीम को जानकारी मिली थी कि बदमाश रिंग रोड चंदगी राम अखाड़े के पास आने वाले हैं, तभी ट्रैप लगाकर 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम कपिल नेहरा यशपाल उर्फ सरपंच, राजीव उर्फ राजू बंसल, राहुल महलावत और गगनदीप गुनी है। गगनदीप उर्फ गुनी पंजाब के बरनाला का रहने वाला है। ये सभी 17 मामलों में वांछित चल रहे हैं। इसके अलावा ये पहले भी 23 आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गगनदीप की लॉरेंस बिश्नोई से सीधी बातचीत है। वो उसका खास आदमी है जो उगाही के तमाम धंधों को देख रहा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश इनामी हैं। इनमें कपिल पर कुल 2,00,000 रुपए का इनाम है। इसमें 50,000 रुपए का इनाम हरियाणा सरकार की तरफ से रखा गया है। हरियाणा के रहने वाले बदमाश यशपाल पर 50,000 रुपए का इनाम है। राजीव पर भी 50,000 रुपए का इनाम है। ये भी हरियाणा का शतर बदमाश है। राहुल महलावत पर 1,00,000 रुपए का इनाम है। हरियाणा सरकार ने उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। राजस्थान सरकार की ओर से 5,000 रुपए का इनाम रखा गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये सभी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, हरियाणा के मोस्ट वांटेड सुब्बे गुज्जर और काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड की पुलिस भी कर रही है। ये सभी जेल में बंद गैंग के आकाओं के इशारे पर लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन सभी पर 5 राज्यों में हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और धमकी देने के कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी समय से इनकी तलाश कर रही थी। शार्प शूटर कपिल नेहरा उर्फ कपिल निदाना पर गुड़गांव पुलिस ने 2,30,000 रुपए का इनाम रखा था, जबकि शार्प शूटर यशपाल उर्फ सरपंच और राजीव उर्फ राजू बसई पर हरियाणा में दिन दिहाड़े ट्रिपल मर्डर केस में 50,000 रुपए और राजस्थान से 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं राहुल बिलासपुर पर 1,00,000 रुपए का इनाम और पंजाब के गगनदीप उर्फ गुनी पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। अब पुलिस इन बदमाशों के गैंग के और लोगों की तलाश कर रही है और 5,00,000 के इनामी बदमाश सूबे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले जब इलाज के लिए GTB अस्पताल लाए गए बदमाश कुलदीप को उसके साथी छुड़ा ले गए थे, उसके बाद पुलिस की कई टीमें इन गैंगों से जुड़े लोगों पर खास नजर रख रही हैं। इसी कड़ी में इन बदमाशों के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर काम करते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।